जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ साहिबान, ये निकली आर्मी हेडक्वार्टर झांसी के अंतर्गत। तो आप सबके लिए ये वैकेंसी के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको वैकेंसी के अलावा भी मैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी आपको क्या दी जाएगी और आपको इस फॉर्म को भेजना कैसे, उसकी डिटेल्स भी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों कहीं ना जाएगा, फॉर्म को ज़रूर भर के जाइएगा। तो दोस्तों जो आर्मी हेडक्वार्टर वैकेंसी 2024 है, इंडियन आर्मी में ड्राइवर, चौकीदार, सफाई वाला, क्लर्क के लिए नई वैकेंसियां आई हैं। 10th पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। एप्लीकेशन आप फॉर्म भर सकते हो। संगठन का नाम आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर झांसी की वैकेंसी रहने वाले। पद का नाम मैंने बता ही दिया। विज्ञापन क्रमांक हो गया। कुल पोस्ट के बारे में भी अभी बात करेंगे। जॉब लोकेशन पूरी ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सभी राज्य के फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपका पहले ही आ गया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर झांसी के बारे में बता दूं कि इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस, चाहे आप जनरल हो, OBS हो, ESCC हो, ST हो, PWD, सब के लिए नील रहेगी। आपका कोई भी भुगतान आपसे नहीं लिया जाएगा। झांसी की जो भर्ती है उनकी इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेता हूँ, तो 14 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 16 मार्च 2024 तक इसके फॉर्म भरने वाले हैं। इसका दोस्तों आधिकारिक नोटिफिकेशन 14 फरवरी को ही आ गया था। आपको दोस्तों पोस्ट अभी बता देता हूँ कि कितने पोस्ट आई है और क्या इसमें आपसे मांगा गया है क्वालिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों चौकीदार की पोस्ट के लिए आपकी RT पास मांगी गई है। 16,800 रुपये आपको मासिक लिए जाएंगे। सफाई वाले की पोस्ट के लिए आपको 16,800 रुपये मिलने वाले हैं। साक्षर होना है आपका जरूरी है। चपरासी की पोस्ट के लिए सेम आपको 16,800 रुपये मिलने वाले हैं और RT पास आपसे मांगा गया है। महिला अटेंडेंट के लिए साक्षर होना जरूरी है। ड्राइवर के लिए दोस्तों RT पास, लाइसेंस व पूरे MT चालक होना चाहिए, पूर्व सैनिक। नेक्स्ट है दोस्तों क्लर्क के लिए आपको स्नातक पास तथा क्लर्क का ज्ञान मांगा गया है। फार्मासिस्ट के लिए 12वीं पास और बी फार्मेसी आपसे मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग के कैंडिडेट दोस्तों आपसे जो डिग्री मांगी जाती है वो आपको इसमें भरना होगा। तो दोस्तों वैकेंसीज के बारे में आप ये समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें होगा क्या, सिलेक्शन आपका किस प्रकार होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। तो इस रिक्रूटमेंट में सबसे पहले अभ्यर्थियों की कोई भी आपसे लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा आप एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद में आपका न तो कोई फिजिकल होगा, न ही कोई स्किल टेस्ट होगा। हालांकि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करके आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। इसका दोस्तों आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका मैं डेमो दे रहा हूं, तो आपको दोस्तों एक बार इजी तरीके से इसको देखना है ताकि आपका कोई दिक्कत ना रहे। तो एप्लीकेशन फॉरम फॉर एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट झांसी का ये फॉर्म मिलने वाला है। ये मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना चाहते हैं, उस पोस्ट का आपको सिंपली नाम लिखना है। नेम ऑफ पॉलीक्लिनिक अप्लाइड फॉर में जो आप पोस्ट के लिए अप्लाइड करना चाहते हैं, जैसे कौन सी पॉलीक्लिनिक झांसी के लिए, तो हमको यहाँ पर झांसी लिख देना है। उसके बाद में आपका खुद का नेम कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, नेम आपका मांगा जाता है और आपका एड्रेस मांगा जाएगा, तो उसको आपको सही डिटेल से भरना है। उसके बाद में दोस्तों राइट साइड में आपकी फ़ोटो पेस्ट करना है और आपको सिग्नेचर यहाँ पे खुद के करने हैं, जिस जो आधे फ़ोटो पे हो और आधे फ़ोटो के नीचे होना चाहिए। उसी प्रकार में से जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है वो सारी डिटेल्स इसमें भर देनी है। उसके बाद में डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको मिलेगा, उसको भी पढ़ के सील सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक लिफाफा मिलेगा, तो लिफाफे को किस प्रकार भरना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको लिफाफे पर सर्वप्रथम लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट का आपको नाम लिखना है और आगे कैटेगरी लगा कर जिस कैटेगरी का फॉर्म भर देना है। कैटेगरी आपकी OBC जनरल जो है वो लिख देना है। उसके बाद में अफसर इंचार्ज ECTS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर झांसी 284001 UP का आपको पता लिख देना है। फॉर्म जहाँ पे लिखा है वहाँ पे भी आप एक खुद का एड्रेस लिख सकते हो, या पीछे की तरफ अगर आपका एड्रेस बड़ा तो पीछे की तरफ फॉर्म लिखा कि खुद का एड्रेस लिख सकते हो। इसके अलावा डाक टिकट यहाँ पे आपको लगा देना है, जहाँ पे भी आपको खाली पोर्शन नजर आए वहाँ पे डाक टिकट। दोस्तों ये इसको स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट किसी भी के माध्यम से आपको इसको भेज सकते हो। बस शर्त यही है कि आपको सही समय पर पहुँच जाना चाहिए, जो भी आपको डेट दी गई है लास्ट डेट उससे पहले पहले।
टिकट की बात करें तो डाक टिकट आप दोस्तों पोस्ट ऑफिस से लगवा सकते हो। तो इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको पूरी डिटेल बता दिए, फिर भी आपसे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।